वीडियो हमेशा की तरह अम्मा और साहिल्या दिख चुके हैं अपनी साइकिल पर प्यारे दोस्तों। की जा रहे निपाल जी, फिटिंग कर दी, बैठ दो। अपाता कर दिया, प्यार दोस्तों अम्मा यहाँ पर पहुंच चुका है। आज साइना को पता नहीं कुछ हो गया है, तो बच्चे लोग आएंगे, उनकी वीडियो हम शूट करेंगे, तो उनको आने देते हैं प्यारे दोस्तों। तो भाई साहब अभी देखिए बारिश रुक चुकी है, अपने जो स्टूडियो है उसका हाल देख लीजिए, चारों ओर जो पानी हो रहा था वो धीरे धीरे सूख रहा है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितनी पानी की बूंदें आ चुकी हैं, और जो अपना ये है यहाँ पर विंडो थी एग्जॉस्ट के लिए, उसमें पानी भर चुका था। तो भाई साहब देख लीजिए इसकी हालत क्या हो रखी है। चलिए बाहर चलते हैं और बाहर के मौसम का एंजॉय करते हैं प्यार दोस्तों। बाहर कुछ इस प्रकार का मौसम हो रखा है, स्कूटी हमेशा की तरह बाहर खड़ी हुई है, पार्क कर रखी है हमने, और एक जा रही है एक प्यारी सी गाय। ये गाय है कि हाड़ा है, एक बार आप देख लीजिए, मेरे को तो लग रहा है सहाड़ा है। तो प्यारे दोस्तों यह रही अपनी ताइलिया की फुटबॉल, वो इससे खेलता है और देखिए मैं भी इसके साथ खेलने लग गया हूँ। तो यहाँ पर भाई साहब दो तीन पौधे थे हमने रख रखे थे, और बारिश हो रही थी तो काफ़ी टाइम से हमारे पास यहीं पर पड़े हुए थे अपने पौधे, तीन पौधे थे टोटल। उन तीनों को दो को तो हमने एक बड़े खेत में या फिर फील्ड में फार्म हाउस में हमने लगा दिया है, बट एक बाकी है। ये देखिए इसको ना आज धूप मिल गई थी, वहाँ से सीधे ही रोशनी आ रही थी, तो यहाँ पर इसको धूप मिल गई तो ये बहुत ही अच्छा फल और फूल रहा है प्यारे दोस्तों। तो चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बता देते हैं, बाहर की चलेंगे, बाहर में क्या हो रहा है फिर से देख लेंगे। अभी देखते हैं अम्मा वगैरह कुछ आया है या फिर नहीं, मेरे हिसाब से अम्मा अभी नहीं आया है। जैसे ही अम्मा और साहिल आएगा उनकी वीडियो हम शूट करके आप सभी प्यारे दोस्तों को बताने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों कुछ मीठा खाने का मन था, तो भाई साहब मैंने लेके आ गया है एक बहुत ही शानदार बिस्किट। चलिए बिस्किट का मतलब क्या होता है, बिस्किट भैया सब आपने बहुत ही शानदार मीम आपने सुना होगा, बिस्किट बिस्की किट यानी बिस्की किट है। चलिए इस बिस्की किट को खाते हैं और हम अच्छे एंजॉय करते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ, एक मिनट अनबॉक्सिंग आप खुद ही देख लीजिए, इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग तो नहीं है, पैकिंग है, इसको फाड़ते हैं। चलिए एक टेस्ट करके बताते हैं कैसा इसका टेस्ट है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बॉर्बन ब्रिटानिया का बॉर्बन बिस्किट, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मीठा है और टेस्ट भी अच्छा है इसका। तो एक और खाते हैं, लेकिन हमें वीडियो बना दी है तो ऊपर क्या ना छत में अभी बारिश बहुत तेज़ आई थी, जिस वजह से छत में भाई साहब अब करंट भी आने लग गया है, क्या आने लग गया है पेड़ दोस्तों करंट वगैरह भी अभी आने लग गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट आता है जैसे ही जो दीवार है यह सूख जाएगी, तो जो इसमें करंट है वो भी दूर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। लेकिन अभी क्या ना मौसम खुला नहीं है, धूप नहीं आई है, जैसे ही तेज़ धूप आएगी सारी की सारी जो सिलन आ रखी है ये सूख जाएगी, और फिर से पहले जैसे सब कुछ हो जाएगा तो करंट भी दूर भाग जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ सबसे। देखते हैं अम्मा आया है फिर नहीं आया है। तो प्यारे दोस्तों अम्मा नहीं आया है ना ही साहिल आया है, क्योंकि मुझे लगता है वो लोग, उसने बोला था कि वो लोग बाज़ार जा रहे हैं, तो बाज़ार जाने में काफ़ी टाइम लगता है और वापस आने में भी काफ़ी टाइम लगता है,
तो वो जब तक आएंगे तब तक मेरे हिसाब से हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो कोई बात नहीं, जैसे भी वो आएंगे उनकी फिर से एक न्यू वीडियो शूट करके आप सभी प्यारे दोस्तों को हम फिर से दिखा देंगे। वैसे आज दोस्तों आज की डेट है 8 तारीख और अपना जो एग्ज़ाम है वो है 21 तारीख को, मतलब हमारे पास अब भी बहुत ज़्यादा दिन पड़े हुए हैं। लगभग कितने दिन पड़े हुए, 8 तारीख है और 11 को है, मतलब लगभग हमारे पास 13 दिन पड़े हुए हैं। कितने दिन प्यारे दोस्तों, 13 दिन है, 13 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए यहाँ पर पढ़ देते हैं जो कि मैंने लगाए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो इनको अब इनका काम नहीं है, तो इनको फिर से नीचे एकदम अच्छे से लगा लेते हैं। देखिए तो फिर से पर्दे को पहले जैसे कर देते हैं ताकि अच्छे लगे, और इस विंडो को पर्दे को हम नहीं छेड़ते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हमने फिर से इन कर्टेंस को अच्छे से लगा दिया है और जो मशीन है अपनी इसको भी ऑन कर देते हैं मोटीन को, क्योंकि वैसा मच्छर बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और अभी इस रूम से जो भी मच्छर है वो मर जाएंगे और सारे मच्छर की यहाँ पर ही इनको हम मार देंगे प्यारे दोस्तों। और देखिए छोटा डॉन आ गया है, इसके हाथ में एक भाई साहब शानदार सी एक लाठी है जिसको ये यूज़ करके किसी को भी पीट सकता है। छोटे डॉन ने चड्डी भी पहन रखी है प्यारे दोस्तों, पता नहीं इस लकड़ी को लेकर ये क्या करने वाला है। मुझे लगता है ये मेरे पे ही हमला करने वाला है, लेकिन ये मेरे पर हमला नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको जानता हूँ ना। लेकिन ये मेरे तरफ ही बढ़ रहा है, मेरे को ही पीटेगा अभी प्यारे दोस्तों। देखिए ये बार की ओर जाने लग गया है और अम्मा भी आ गया है, अम्मा और साहिल दोनों आ चुके हैं और दोनों के दोनों ही पता नहीं कहीं पर जाने की। और रुकी कहाँ जाओगे रे, कल डुकी कन क्यों थूज गया, डुकी कन थूज लाए डुकी कन दूर जान बजा। मैं गया ही कौन भाई, मैं जाता हूँ नहीं अभी। हनुमान आ गयो, सायना की तबीयत आज बहुत ही ज्यादा खराब है जिस वजह से आज ये घर से बाहर भी नहीं निकली है। सायना तबीयत कैसी तेरी, सायना सायना की आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सब बोल रहे थे नाटक कर रही ना, नाटक कर रही मना बता। प्यारे दोस्तों जो अपना अम्मा है वो पता नहीं यहाँ पर पहुँच चुका है और पता नहीं कुछ हरकतें वगैरह कर रहा है। तो अम्मा को तूने साइकिल क्यों दी, इसने सर्विस दी क्या फिर से आज तुम्हें? अच्छा सर्विस दे दी है प्यारे दोस्तों, इसने ना बहुत ही शानदार सर्विस दे दी है। अम्मा ने दी या फिर सरू ने दी या फिर किसने दी थी मेरे को सर्विस? सायना दरो क्या हो गया, उल्टे हो रही है क्या? क्या सायना सैंडविच खा लिया? ओए सायने, सायना सैंडविच खा लिया? जीव दर रहे और प्यारे दोस्त आज सायना की जीव दर हो रहा है। सबका नला सबका लगू जाने अस्पताल लेना है क्या बोल? इसको अस्पताल नहीं ले जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अस्पताल हम बाद में लेके जाएंगे क्योंकि इसकी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है कि इसको अस्पताल तक ले जाया जा सके, बट इसकी तबीयत ठीक है। तो चले फिर से अंदर चलते हैं और छोटे डॉन की हम हरकतें को नोट करते हैं प्यारे दोस्तों। ये देखिए छोटे डॉन के पास अब एक बैलून है प्यारे दोस्तों, इस बैलून से छोटा डॉन खेल रहा है। छोटा डॉन तो भाई साहब देखिए छोटे डॉन को वाइड एंगल लेंस से आपको बता देता हूँ यार, अपना छोटा डॉन इसके ना ऊपर के जो दांत आते हैं और छोटा डॉन ने बैलून को फोड़ दिया है और मैं भी एकदम से डर गया था, बट डरने वाली कुछ बात नहीं है, बैलून ही था मेरे प्यारे दोस्तों। अब छोटा डॉन को देखिए, इसके हाथ में बैलून के जो फटा बैलून था उसके फिर भी इसके हाथ में बैलून के टुकड़े हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसको मुँह में नहीं डालेगा क्योंकि समझदार है अपना छोटा डॉन। तो प्यारे दोस्तों इसको देख लीजिए, और छोटा डॉन की आज मम्मी के साथ हमने फोटो भी क्लिक करवाई है प्यारे दोस्तों, स्टेटस भी लगाया जा सकता है अगर मैं उसको भेजा गया तो। तो प्यारे दोस्तों छोटा डॉन को देखिए, इसके हाथ में अब पहले तो बैलून को फोड़ा था, अब ये बॉल के साथ खेल रहा है। छोटे डॉन छोटे डॉन बैलून के साथ में इसके साथ में बॉल के साथ में उसने मुंह में डाल दिया। चलिए इसके मुंह में से जो बैलून का टुकड़ा है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको फेंक देते हैं, बट
ये फिर भी बहुत ज़्यादा चालाक है, ये इसको ना फिर से लेने की कोशिश कर देता है। इसके क्या ना अभी पैर आ चुके हैं, तो ये देखिए बाहर फेंगे ना। तो प्यार से छोटा डॉन तो बिल्कुल भी नहीं शांत होने वाला है। इसके पास फिर से इसकी बॉल दे दिया। देखिए छोटा डॉन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। तो भाई साहब छोटा डॉन की हरकतें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है हमारे वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है प्यारे दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।